हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। आज हम जानेंगे कि आँख में ड्राइनेस क्यों होता है, उसके घरेलू उपाय क्या हैं, और इसकी अगर घरेलू उपाय से भी वो ठीक ना हो तो उसकी क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो जैसे मैक्सिमम पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं, एक्चुअली उनमें ड्राइनेस होता ही है। तो अभी ये ड्राइनेस एक तो आपके आपको वाटरिंग के फॉर्म में होगा, या फिर प्रॉपर ड्राइनेस ही होगा, मतलब आपको रियलाइज होगा कि आँख में सूखापन बन रहा है। अब आप सोचेंगे कि अभी वाटरिंग और ड्राइनेस ये दोनों तो अपोजिट चीज़ें हैं, पर ये कैसे हो गया। देखिए, वाटरिंग जब आँख में होता है तो ऑब्वियसली वाटरिंग के भी अलग अलग कारण हैं, पर मैक्सिमम जो कारण होता है वो ड्राइनेस होता है। तो अभी वाटरिंग क्यों होता है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्स टीयर मैकेनिज्म है। मतलब जैसे आँख में अगर ड्राइनेस हो गया तो आँख ब्रेन को सिग्नल पहुँचाती है कि ड्राइनेस हो रहा है। तो हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी वजह से ब्रेन फिर से आँख में सिग्नल पहुँचाता है कि ज़्यादा वाटर सिक्रेट करने के लिए। इसीलिए ड्राइनेस के पेशेंट वाटरिंग की कंप्लेंट लेके आते हैं मोस्टली। अब ड्राइनेस के अलग अलग कारण हैं, जैसे मोस्ट कॉमन है कि एजिंग की वजह से, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे टीयर सिक्रेशन ही कम हो जाता है, या फिर लेडीज़ में प्रेगनेंसी के वक्त, या हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस हो गया, या आफ्टर मेनोपॉज ड्राइनेस की कंप्लेंट बढ़ जाती है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका है तो आपको सूखापन हो सकता है, या वेदर चेंज की वजह से, या कंटिन्यू एसी वाले रूम में काम करने की वजह से, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स जो होते हैं उनमें भी ड्राइनेस की कंप्लेंट ज़्यादा होती है, या फिर आजकल सब लोग कोई ना कोई मेडिसिंस पे होते हैं, जैसे एलर्जी की मेडिसिंस अगर आप ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटिक की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो ड्राइनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत टाइम से कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं, मतलब कांच बिंदु की ड्रॉप्स डाल रहे हैं, या कुछ एलर्जी की ड्रॉप डाल रहे हैं, तो उस वजह से भी ड्राइनेस आँख में बढ़ जाता है। तो अभी आज हम जानेंगे कि इसका घरेलू उपाय क्या है, मतलब घर में हम ऐसे क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये ड्राइनेस कम हो। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो है कि यहाँ पे ना ग्रंथियाँ होती है, हमारी पलकों में ग्रंथियाँ होती है जिसमें लिपिड होता है, मतलब ऐसे समझिए कि जिसमें ऑयल होता है, वो ऑयल की ग्रंथि होती है। तो हमारी आँख पे आँसू की परत होती है। देखिए, पहले हम थोड़ा ना टियर फिल्म के बारे में समझ लेते हैं। टियर फिल्म मतलब अश्रु की परत होती है, जो आँख पे एक अश्रु की परत होती है। अगर वो इवेपरेट हो जाए, प्रॉपरली सिक्रेट ना हो, तो आँख में रूखापन, सूखापन महसूस होता है। अब आँख में सूखापन जब आपको महसूस होता है, उस टाइम आपको जलन महसूस हो सकती है, आपको खुजली हो सकती है, पानी आ सकता है, आँख में ऐसा लग सकता है कि रेत है, या फिर आँख में स्ट्रेन महसूस हो सकता है। विंटर सीजन में आपने देखा होगा कि हमारी त्वचा ड्राई होती है, और जब ड्राई होती है तब जलन होती है। तो हमारे स्किन के लिए जैसे मॉइस्चराइज़र काम करता है, उसी प्रकार हमारे आँख में नेचुरली ही एक मॉइस्चराइज़र दिया हुआ है जिसे हम टियर फिल्म कहते हैं, अश्रु की परत कहते हैं। तो वो अश्रु की परत में तीन लेयर्स होती है, म्यूकस लेयर, वॉटरी लेयर, और एक लिपिड मतलब ऑयल लेयर होती है। तो ये जो ऑयल लेयर होती है वो हमारी जो यहाँ ऑयल की ग्रंथियाँ होती है वहाँ से बनती है। मोस्टली ऐसा पाया गया है कि जो ये ऑयल की ग्रंथियाँ होती है वो काफ़ी पेशेंट्स में ब्लॉक होती है, वहाँ जो वहाँ ऑयल जमा हुआ रहता है, वो आँख में नहीं उतरता, क्योंकि ये जो पलके है वहाँ पे वर्टिकली ऐसे ग्रंथियाँ मौजूद होती है, और उसकी जो ओपनिंग है वो हमारी ये लीड मार्जिन्स हैं, वहाँ पे उसकी ओपनिंग्स होती है और वहाँ से वो आँख में उतरती है। पर वो अगर ऑयल वहाँ जम जाए और आँख में ना उतरे, तो जो वो दूसरी लेयर होती है, जो वॉटरी लेयर होती है, वो उड़ जाती है। मतलब जो ऑयल की लेयर होती है वो वॉटरी जो लेयर होती है उसे प्रोटेक्ट करती है, वो उसे उड़ने नहीं देती। पर अगर ऑयल लेयर ही ना रहे तो वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में आ जाती है और इवेपरेट होती है, मतलब उड़ जाती है। तो इसीलिए ऑयल की लेयर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें इसको, मतलब जैसे हम अपने घर में जब घी जम जाता है तो हम गैस पे रखते हैं और वो पतला हो जाता है, उसी प्रकार हमें यहाँ पे हीट देना है। अब वो कौन से फॉर्म में दे सकते हैं, एक तो है कि आपको पानी उबाल लेना है, उसमें एक साफ सुथरा कपड़ा लेना है, डालना है, निचोड़ना है, और आँख की पलक पे जाए ऐसे उसको सिकाई करनी है, ताकि हीट वहाँ जाए और वहाँ का ऑयल थोड़ा लिक्विफाई हो और आँख में उतरे।
अब ये चीजें करने की अलग अलग उपाय है। जैसे पहला है कि जैसे मैंने बोला कि आप पानी से कर सकते हैं, मतलब पानी उबाल के कर सकते हैं। सेकंड है तवे से भी आप कर सकते हैं कि तवा गर्म करके एक अपना क्लॉथ लेके उस पर घुमा के यहाँ पे आप हीट दे सकते हैं। थर्ड है कि हीटिंग आई मास्क आते हैं जो आपको 4 से 5 सेकंड के लिए ओवन में रखने होते हैं और फिर आपको आँख पे अप्लाई करने होते हैं 10-15 मिनट के लिए, ताकि जो आई मास्क की हीट है वो आपके पलकों पे जाए और जो ऑयल हो वो पतला हो जाए और आँख पे उतरे। अब जब भी आप ये आँखों की सिकाई करते हैं, चाहे वो आई मास्क की हेल्प से हो या फिर पानी उबाल के हो, कोई भी तरीके से जब भी आप हीट देते हैं 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, मसाज देना है। मसाज कैसे करेंगे, यहाँ पे जो खड़ी ग्रंथियाँ होती है उसमें उसका जो ऑयल है वो लिक्विफाई हो गया, अभी वो मसाज करके आँख में हमें उतारना है। तो ऐसी मसाज करना है, ऊपर की पलक के लिए नीचे के डायरेक्शन में करना है और नीचे की पलक के लिए ऊपर देखना है और ऐसे करना है, ठीक है, ताकि वो ऑयल आंख में उतरे। तो पहला उपाय है कि अच्छे से आंख की सिकाई करनी है और फिर मसाज करके वो ऑयल को आंख में उतारना है। अब सेकंड है कि आपको ब्लिंकिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्लिंकिंग एक्सरसाइज मतलब जैसे हमारा ब्लिंकिंग रेट, मतलब पलक झपकने का रेट 1 मिनट में 12 से 15 बार है, पर आजकल डिजिटल यूज़ की वजह से वो हार्डली हम 1 मिनट में 4 से 5 बार ब्लिंक करते हैं, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस आता है क्योंकि हम कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहते हैं, पलक नहीं झपकते, और अगर पलक नहीं झपके तो जो अश्रु की परत है वो प्रॉपरली स्प्रेड नहीं होती। क्योंकि ऐसा समझे कि जो हम पलक झपकाते हैं वो हमारी कार की वाइपर की तरह काम करता है। सपोज कार की जो विंडशील्ड है उस पर धूल बैठ जाए और अगर हम वाइपर ना घुमाएं तो हमें धुंधला दिखाई देगा, तो इसीलिए हम वाइपर से उसे क्लीन करते हैं। उसी प्रकार ये जो हमारी पलक है वो आँख के वाइपर की तरह है, जब हम पलक झपकाते हैं तो जो अश्रु की परत है वो इवनली प्रॉपरली पूरी आँख में स्प्रेड होती है और हमें क्लियर दिखाई देता है। ऐसे ही आपने कभी नोट किया होगा कि जब भी हमें ब्लर दिखाई देता है तो हम थोड़ी देर के लिए आँख बंद करते हैं या ब्लिंक करते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देने लगता है, तो ये ड्राइनेस की वजह से होता है। तो उसके लिए हम क्या करें, देखिए जैसे जब भी हम ब्लिंक करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हम 2/3 ही पलक झपकाते हैं, हम पूरी पलक नहीं झपकाते, तो इसलिए हमें बीच बीच में पूरी पलक झपकानी है। एक्चुअली ये एक्सरसाइज ऐसी है कि 2 सेकंड के लिए पलक झपकानी है, फिर 2 सेकंड के लिए पलक खोलनी है, फिर से 2 सेकंड के लिए पलक झपका के हमें आँख को स्क्वीज करना है, ताकि जो आउटलेट्स है मतलब लीड मार्जिन में, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटलेट होते हैं मिबोमियन ग्लैंड के, ऑयल ग्रंथि के, तो वो ओपन होते हैं स्क्वीज करने से। तो इसीलिए 2 सेकंड के लिए आँख बंद करें, 2 सेकंड के लिए आँख खोले और फिर 2 सेकंड के लिए आँखों को स्क्वीज करें ऐसे, ठीक है। तो ये भी आपको बीच बीच में करना है और साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कॉन्शियसली ब्लिंक करना है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं हमारा ध्यान हट जाता है और हम कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहते हैं और ब्लिंक करना ही भूल जाते हैं, इसीलिए कॉन्शियसली हमें ब्लिंक करना है। फिर तीसरा उपाय आता है कि अगर हम एसी रूम में काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली एसी के सामने ना बैठे, क्योंकि उससे ड्राइनेस बढ़ जाती है, मतलब पंखा हो एसी हो डायरेक्टली उसके सामने ना बैठे क्योंकि उससे ड्राइनेस बढ़ती है, और एसी की रूम में मॉइस्चर की कमी होती है, इसीलिए आप ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप एयर ह्यूमिडिफायर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको हेल्दी डाइट लेना है, मतलब पोषक आहार लेना है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ए, ये दोनों चीज़ें हमारी टीयर फिल्म मेंटेन करने में हेल्प करती है। अपने आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ए रिच फूड आप बढ़ाइए, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे सबसे ज़्यादा फिश में पाया गया है, अगर आप फिश नहीं खाते तो सोयाबीन सीड, सोयाबीन ऑयल, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, अक्रोड, ये सारे चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। फिर विटामिन ए रिच फूड जैसे पपीता हो गया, गाजर हो गया, कॉड लिवर ऑयल है, स्वीट पोटैटोज है, ब्रोकोली है, इसे भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिफ्थ है आप प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, जो ओवर द काउंटर फार्मेसी में मिल जाता है, जो आँख की नमी को बनाए रखता है, मतलब मॉइस्चर मेंटेन रखता है। सिक्स्थ है कि डार्क रूम में स्क्रीन यूज़ नहीं करना है, मतलब मोस्टली हमें आदत होती है कि लाइट बंद कर देते हैं रात को और मोबाइल देखते रहते हैं,
तो हमें ये नहीं करना है क्योंकि उससे भी ड्राइनेस आँख में स्ट्रेन बढ़ता है। सेवेंथ है कि आपको आपकी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना है, क्योंकि अगर आप कोई मेडिसिन पे है, मतलब एलर्जी की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन, या फिर कोई भी क्रोनिक डिसीज़ आपको अगर है जो बहुत लंबे समय तक चली आ रही है और आप कंटिन्यूसली उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी वैसे भी डिहाइड्रेट रहती है। इसीलिए अपने बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आँखों में नमी भी मेंटेन रहेगी। तो ये सारे उपाय हो गए जो आप घर पे कर सकते हैं। होम रेमेडीज करने के बाद भी अगर आपको वाटरिंग, ड्राइनेस आपका परसिस्ट रहता है, तो ऐसे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जैसे IPL हो गया, या फिर मोबी थर्मोफ्लो थेरेपी हो गया, या लिपी फ्लो हो गया। ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम ड्राइनेस को दूर कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।